नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट के बाद आज का दिन भी बहुत अहम होने वाला है। कहा जा रहा है कि जो दिल्ली में फिलहाल जो लोक जनशक्ति पार्टी के पांचों बागी सांसद हैं, वो आज दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो सकते हैं। खबर है कि पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकारिणी की बैठक होगी। तमाम बड़े नेता समय जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उसमें मौजूद रहेंगे। और जो पशुपति कुमार पारस की कोशिश है कि पहले संसदीय दल के नेता के रूप में जो चयनित हुए हैं, उसके बाद अब पार्टी पर किस तरह से क्या व्यवस्था की जाएगी, उस पर एक बैठक कर सकते हैं। उसके बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। खबर है कि आज कभी भी पटना से दिल्ली से पटना के लिए पांचों बागी सांसद रवाना हो सकते हैं। इसके बाद कहा तो ये भी जा रहा है कि जितने भी जदयू सांसद भी अभी दिल्ली में मौजूद है, वो भी पटना में जाएंगे और जदयू के साथ भी एक मीटिंग की जा सकती है। जदयू की मीटिंग में तो यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार भी पांचों बागी सांसद से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसा जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर आ रही है कि पांचों बागी सांसद जो है नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले बीते रात जो है लोकसभा सचिवालय की ओर से एक दावा किया गया था कि जो पशुपति कुमार पारस हैं वो लोकसभा के लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सदन के रूप में मान्यता दे दी गई, जिसके कयास लगाया जा रहा था कि देर रात तक हुई, अभी तक लोकसभा की ओर से इस पर जवाब नहीं आया है। वो कल रात को ही इस बारे में सब कुछ साफ हो गया कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो अब लोकसभा में नए नेता सदन है वो पशुपति कुमार पारस होंगे। इससे पहले कल दिन भर न्यूज़ फाउंडेशन ने आपको बताया था कि किस तरीके से लगातार जो है पशुपति कुमार पारस के घर पर लगातार हलचल होती रही। खुद चिराग पासवान भी पशुपति कुमार पासवान से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। केवल यहाँ पर दो घंटे तक यहाँ इंतज़ार करने के बाद चिराग पासवान को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा। किसी भी तरीके से कोई भी मुलाकात नहीं हुई। एक तरीके से कहा जाए तो चिराग पासवान की जो यहाँ पर मुलाकात है वो उनसे खाली हाथ रह गई। तो पशुपति पारस जो एक मनाने का सिलसिला था वो भी अब सुलभ में तब्दील होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बीते दिनों कई ओम बिल जो लोकसभा स्पीकर हैं उनसे मुलाकात हुई, ओम बिरला से तमाम तरह की बातें हुई। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो पार्टी में बड़ी टूट हुई है इसमें जदयू का बड़ा हाथ माना जा रहा है, क्योंकि जदयू के पहले भी हमने बताया था कि पटना में भी एक जदयू के साथ मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जिस तरीके से जदयू ललन सिंह समेत आरसीपी सिंह तमाम नेता मौजूद थे, उसके बाद कल दिल्ली में भी जदयू के तमाम नेता इन पांचों बागी सांसदों से मुलाकात किए। मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें हुई, जब हमने उनसे बात किया तो उनका कहना था कि उनको बधाई देने के लिए और उनके साथ लंच पर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे का जो खेल है वो कुछ और ही बयां करती है। लेकिन फिलहाल आज की खबर यही है कि पटना में आज कभी भी पांचों सांसद जो है पटना के लिए रवाना हो सकते हैं। और खबर तो ये भी है कि लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम पदाधिकारी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद जदयू के तमाम नेता के साथ भी बात करेंगे। फिलहाल इस खबर से जुड़ी जो भी अपडेट होगी न्यूज़ फाउंडेशन अब तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट बॉक्स बताएं। अब तक हमारे न्यूज़ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। उस वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।